अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस मीट को बुलाने का मकसद ये है कि पिछले 4 सालों से 2016 और 2017 से हम लोगों ने बसव कल्याण, बीदर, हुमनाबाद, भालकी में बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे और एक फाइल बिल्ड कराई थी कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज का क़्याम किया जाए, उसको गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश किया जाए। उस वक्त में सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब थे, हमने फ़ाइल उन तक पहुंचाई। उन्होंने उस फाइल को कहा कि बजट अभी बन गया है लेकिन आपके HKDB हैदराबाद कर्नाटक डेवलपमेंट रीजन बोर्ड में बजट है, हम फाइल उनको प्रोसेस देंगे, अगर वो लोग अप्रूव करते हैं तो हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे करके ऐसी बात उन्होंने कही थी। जब HKDB को फाइल दी गई तो उन्होंने कहा कि बजट हमारा भी प्लान्ड है, हम कोई नए इंस्टीट्यूट के लिए बजट नहीं दे सकते। इस वजह से वो फाइल को बंद कर दिया गया था। लेकिन हमारे बी नारायण राव साहब ने जैसे ही MLA बन गए, 2018 में उन्होंने MLA बना और 2020 में उन्होंने 12 फरवरी 2020 को एक लेटर लिखा है, उस लेटर को उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को एड्रेस किया है। उन्होंने इस लेटर के ज़रिए डिमांड किया है कि बीदर में एक नया गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बीदर के बसव कल्याण तालुका में ओपन किया जाए, उन्होंने इस लेटर के ज़रिए पर डिमांड किया है। तो हम बसव कल्याण में जब ये कॉलेज आएगा तो बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ का गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, प्राइवेट बिजनेस बढ़ेगा, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट के और बसव कल्याण तालुके के एजुकेशन लेवल में आएगा, क्योंकि माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स की जो रिपोर्ट है उसमें बीदर डिस्ट्रिक्ट को वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है एजुकेशन के लिहाज से। तो इस कॉलेज के क़याम के ज़रिए बीदर में, बसव कल्याण में एजुकेशन बढ़ेगा, घर घर तालीम पहुंचेगी और एक हेल्थ सर्वे के हिसाब से बीदर डिस्ट्रिक्ट का जो है हेल्थ बहुत ही ख़राब है। बीदर डिस्ट्रिक्ट में कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और एक सर्वे के हिसाब से अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो करीब 14 किलोमीटर हमको दूर जाना पड़ेगा खाली इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए, डिग्री एजुकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड यही है कि बीनारायण राव साहब की हमारे जो MLA हैं जिनका अभी कोविड की वजह से निधन हुआ है, उनकी भी दिली ख्वाहिश थी कि बसव कल्याण में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज कायम हो। तो हम उस लेटर के बेसिस पे जनाब सिद्धरामैया की परसों ही विजिट हुई बसव कल्याण में, उनको हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम के ज़रिए हमने रिसिप्ट कॉपी ली है, गवर्नमेंट को डिमांड किया है और हमने सेम मेमोरेंडम हेल्थ मिनिस्टर, CM ऑफ कर्नाटका, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड कमिश्नर आयुष डिपार्टमेंट को हमने फॉरवर्ड किया है। तो हमारी डिमांड यही है कि गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बसव कल्याण तालुका में एटलीस्ट बीदर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश हो।